तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई क्लास में। और आप लोगों को पता होगा कि मैं कई दिनों से क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, 3-4 दिनों से तो क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, और ना ही कोई करंट अफेयर क्लास आ रही है। और मैं हाई स्कूल के लिए जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था उसको भी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। ये जो बेसिकली ट्वीट वगैरह करना होता है मैं अभी बहुत जम के करता हूँ, तो इस वजह से मैं क्लासेस नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन हाई स्कूल की जो आज एक क्लास मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ठीक है ना, उसको एडिट करना है थोड़ा सा और उसको मैं अपलोड कर दूंगा, तो हाई स्कूल वाले बच्चे वो देख लेंगे। तो जो हम लोग का ट्वीट का सेशन चल रहा था मैं बता देता हूँ। देखिए, बहुत सारे जो बड़े बड़े एजुकेटर हैं, जैसे अभिनव शर्मा हो गए या फिर एग्जामपुर हो गए, ठीक है, राकेश यादव सर हो गए, तो उन्होंने सब में मिलकर के कुछ हैशटैग बनाते हैं जो आज के दिन के लिए या कल के दिन के लिए जो ट्रेंड होंगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने भी वाला हूँ, ठीक है, लबरेट जो है वो सुनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे बहुत एक बच्चे ने बहुत खूबसूरत एक कविता टाइप से लिखी है और वो मैं आपको अभी यहाँ पे सुनाऊंगा, ठीक है। शुरुआत करने से पहले मैं एक बार बोल देता हूँ कि देखिए, ये जो चीज़ मैं सुनाने वाला हूँ ये मीडिया के ऊपर है, ठीक है, तो पूरी ये मीडिया को मैं डेडिकेट करता हूँ। इतना तो झुमका भी नहीं गिरा बरेली के बाजार में, इतना तो झुमका भी नहीं गिरा बरेली के बाजार में जितनी ये मीडिया गिर गई है बीजेपी की सरकार में, ठीक है। तो मैं पहले आप लोगों को शेड्यूल बता देता हूं कि आज के दिन पे जो हैशटैग इस्तेमाल करने हैं और क्या क्या नई जानकारी है मैं बता देता हूं, उसके बाद में फिर मैं कविता सुना दूंगा जो उस बच्चे की, ठीक है। तो सबसे पहले यहां बात करते हैं कि ये जो नंबर वन पे लिखा हुआ है ना, ये जो क्या कहते हैं टैग है, हैशटैग इस्तेमाल करना है, ध्यान दीजिएगा, RRB एग्जाम डेट्स है, यहां डेट के बाद S लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसा ये लिखा हुआ है सेम एज इट इज आपको हैशटैग इस्तेमाल करना है। देखिए, एक और हैशटैग अभी है चल रहा है RRB एग्जाम डेट करके चल रहा है, ठीक है। आप बोलोगे कि इसमें और उसमें फर्क क्या है, देखिए, जो आपके साथ निकाला जाता है वो पूरी डिस्कशन करने के बाद हैशटैग निकाले जाते हैं और उसी हैशटैग को इस्तेमाल करना, नहीं तो कोई दूसरा बंदा दूसरे हैशटैग को इस्तेमाल कर रहा होगा कोई इसको, तो ट्रेंडिंग होने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। कल को आधे आधे मान लीजिए 50% लोग इसको ट्रेंड करवा रहे हैं और 50% लोग इसको ट्रेंड करवा रहे हैं, तो ना तो ये ट्रेंड हो पाएगा, नंबर वन पे जा पाएगा, और ना ही तो ये नंबर वन पे जा पाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, RR सब स्मॉल में है, RRB एग्जाम डेट्स, ठीक है, डेट के बाद एस लिखा हुआ डेट्स है, तो इसको आप जम के शेयर करिएगा, इस हैशटैग को इस्तेमाल करिएगा। और दूसरा जो है, मैं भी बेरोजगार, मैं और मैं में अंक की बिंदी यहां लगी हुई है, अंडरस्कोर भी, फिर अंडरस्कोर, फिर बेरोजगार, ठीक है, ये आपको हैशटैग ट्रेंड करवाना है। अगला जो हैशटैग है वो है ये, UP SSSC में सुधार चाहिए, ये एक ही साथ लिखिएगा सब, ठीक है, एक ही साथ हैशटैग, ये चारों के चारों हैशटैग एक साथ इस्तेमाल करिएगा। आज यूपी का दिन है, यूपी में जो भी अनियमितताएं हो रही हैं या जो भी नौकरियां लंबित है बहुत समय से, उनके लिए हैशटैग चलाए जा रहे हैं। आप सभी को बताओ का UP SSSC में सबसे ज्यादा घोटाला होता है, सबसे ज्यादा घोटाला UP SSSC में होता है, और योगी आदित्यनाथ जी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। उन्होंने बोला था कि हम एक्शन लेंगे, अपनी सरकार में आएंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो UP SSSC में यहां ऊपर अंक की बिंदी है, में सुधार चाहिए, सेम एज इट इज रखिएगा, देख लीजिए चाहे तो, ठीक है। और चौथा है हैशटैग 59,000 शिक्षक भर्ती न्याय दो, यहां पे को मत लगा दीजिएगा, अपने मन से को का की कुछ मत लगाइएगा, जैसा हैशटैग है उसी हैशटैग को सेम इस्तेमाल करना है, नंबर वन ये सब ट्रेंडिंग जाने चाहिए, ठीक है, और चारों को एक साथ इस्तेमाल करिएगा। हाँ, दूसरी बात है ये है कि आप टैग किसको करोगे, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको टैग करना है @ करके नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, जो अपने PM है, @ PMO को, PMO नरेंद्र मोदी हो गए, और @ योगी आदित्यनाथ, ठीक है, और @ यहां पे RRB के लिए कर रहे हैं तो रेलवे और पीयूष गोयल, रेलवे के लिए और @ पीयूष गोयल को, इन सबको तो एटलीस्ट करना ही करना है, टैग करना है, ठीक है। और
आप कुछ भी लिखना चाहते हो या कुछ फोटो लगाना चाहते हो वो लगा करके हैशटैग यहाँ पे ट्रेंड करवाओ और जम के ट्वीट करो। ट्वीट को जो है वो क्या करो, बेसिकली रीट्वीट करो। अगर आपको नहीं ट्वीट मिल रहा है तो आप जितने भी ट्वीट्स पड़े हुए हैं उनको रीट्वीट कर लो, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे मैं कुछ बात करता हूँ कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं यूट्यूब की दुनिया में, उन्होंने भी साथ दिया है। अब मैं भुवन बाम का आपके सामने लगाने वाला हूँ, स्क्रीन पे आपको देख रहा होगा कि भुवन बाम ने जो है वो बेसिकली यहाँ पे ट्वीट किया है और बहुत सारे उसको रीट्वीट भी किए हैं, जिसमें एग्जाम्पल ने भी इनके ट्वीट को रीट्वीट किया है। इसके साथ साथ अजय नागर आपको ऐसे नाम नहीं पता चलेगा, कैरी मिनाटी, ये देख रहा होगा आपके सामने जो कैरी मिनाटी हैं, कैरी मिनाटी नाम से उनका नाम क्या है, अजय नागर जो ओन करते हैं बेसिकली इस चैनल को, ठीक है। तो अजय नागर ने भी इसको बेसिकली क्या किया है, ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से बताया है कि जो है जो चल रहा है, ठीक है, उसको सरकार को जल्द से जल्द ठीक करना है। आशीष चलानी का शायद आया है कि नहीं आया है, लेकिन मैं इन सब से भी क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी जो है वो ट्वीट करें, क्योंकि इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं, ठीक है। एटलीस्ट सबके जितने भी आप देख रहे हो ना, नियर अबाउट 20 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं या हो चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात, चलिए यहाँ पे बात करते हैं राहुल गांधी के ऊपर भी एक बहुत अच्छा सा ट्वीट है। देखिए राहुल गांधी के ऊपर ट्वीट क्या था, मैं बता देता हूँ। राहुल गांधी के ऊपर एक पर्सन ने ट्वीट किया था, लिखा था जिसको पप्पू समझा वो दिल का साफ निकला और जिसको हीरो समझा वो आस्तीन का साफ निकला, ठीक है। तो यहाँ पे राहुल गांधी के ऊपर ट्वीट था जो बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली यूथ पसंद कर रहे हैं। जिसको पप्पू समझा वो दिल का साफ निकला और जिसको हीरो समझा वो आस्तीन का साफ निकला। और यहाँ पे ध्रुव राठे को आप जानते होंगे, स्पेशली मोटिवेटर हैं और यही सब मुद्दे उठाते रहते हैं जो गवर्नमेंट जो बेसिकली अन्याय करती है लोगों के साथ में, और आकाश बनर्जी भी साथ में यही मुद्दे उठाते रहते हैं, ठीक है। तो मैं उस पर बात कर लेता हूँ, जो एक लड़के ने बेसिकली क्या है कविता लिखी है, कविता के माध्यम से दुख और दर्द जाहिर किया है, ठीक है। तो उसको मैं पढ़ देता हूँ, आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा, ठीक है। सबसे पहले तो हाँ बोला है कि युवाओं के लिए है स्पेशली, और उसने टैग किया है उसने गवर्नमेंट को, ठीक है। शीर्षक है वो है युवा मांगे जवाब अब, ठीक है। भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं परीक्षा हो तो परिणाम नहीं। भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं। परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं। आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं। सही बात है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, बस करो मजाक अब, युवा मांगे हिसाब अब। बात करो संवाद करो, दो हमारे प्रश्नों का जवाब अब। यही बात है कि जो गवर्नमेंट है ना, ये जो पर्टिकुलर बीजेपी गवर्नमेंट है, ये सवालों से बसती है। अभी आपको पता चल रहा होगा कि जो 14 सितंबर से मॉनसून सत्र चालू होने वाला है संसद का, उसमें प्रश्नकाल ही नहीं होगा। जो एक घंटे का जो काल होता है शुरुआत का, वो होता है प्रश्नकाल, ठीक है। उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जनताओं के जो मुद्दे होते हैं वो बेसिकली उठाए जाते हैं प्रश्नों के माध्यम से। तो प्रश्नकाल ही नहीं होगा, जबकि वो एक संवैधानिक, मतलब एक परंपरा है, समझ लीजिए ना, संसद की एक वैधानिक परंपरा है, ठीक है। तो उसको ही खत्म किया जा रहा है। आगे लड़का लिखता है, क्यों हर भर्ती पंचवर्षीय योजना है, ये सबकी मन की पीड़ा है, ठीक है। किस नए भारत की ये परियोजना है, कैसी ये परीक्षा प्रणाली है, आपने युवाओं की छीन ली जवानी है। समझ रहे हैं ना, आधे लगे तो समझ गए होंगे, ठीक है। क्यों पेपर में गलत सवाल डालते, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि पेपर में भाई गलत सवाल डाले जाते हैं, उसके बाद 500-100 रुपए लिए जाते हैं। बच्चा लिखता है, क्यों पेपर में गलत सवाल डालते फिर 100-100 रुपए का व्यापार करते, रैंक लिस्ट का नहीं प्रावधान करते, वेटिंग लिस्ट का नहीं समाधान करते। बहुत सारे टीचर्स ने इस बात का उठाया था कि वेटिंग लिस्ट कहाँ है, वेटिंग लिस्ट बननी चाहिए, ठीक है। साहब दो चार हो तू बोलू, अरे आप तो जुल्म हजार करते। ये सबके मन की पीड़ा होगी, भाई दो चार जुल्म कर लो तो ठीक है, लेकिन आप तो हजारों जुल्म करते हो और अभी भी करते जा रहे हो, ठीक है। घाव हो जाने के बाद भी आप उसी जगह पे घोड़े बरसा रहे हो। जागो सरकार जागो, बस यही कहना है, हमारी समस्याओं पर ध्यान दो, एक वर्ष के भीतर पूरी प्रक्रिया हो,
रिया नहीं बस नौकरियां हो, रिया चक्रवर्ती नहीं बस नौकरियां हो। युवाओं से भी कुछ कहना है और अब नहीं सहना है, बुलंद अपनी आवाज करो, आज कुछ ऐसी हुंकार भरो, आ जाए चाहे सैलाब अब रुकना नहीं झुकना नहीं, रुकना नहीं झुकना नहीं, अपने हकों का करना है हिसाब अब। ठीक है, तो बहुत शानदार बच्चे ने कविता लिखी है और ये सिर्फ कविता नहीं है, उस बच्चे के मन की पीड़ा है और इस सारे बच्चों के मन की पीड़ा है कि ऐसा होता है उनके साथ। ठीक है, मैंने भी सहा है, आप भी सह रहे हो और ऐसा ना हो कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी सहे। तो हम लोग जो लड़ रहे हैं ना, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि तुम ये क्यों वीडियो बनाते हो, वीडियो बना इसलिए रहे हैं या ट्विटर पे इसलिए ट्रेंड करवा रहे हैं क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों को ये दिक्कतें ना हो, आगे आने वाली पीढ़ियां एक खुशहाल ज़िंदगी जिए, उनके पास भी हक हो कि वो एक गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, जो हमारे पुरखे हमारे लिए छोड़ के गए हैं वही हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों के लिए भी वही छोड़ के जाएँ, एटलीस्ट उनके लिए एक क्या कहते हैं गेटवे छोड़ के जाएँ जहाँ पे वो बेसिकली सरकारी नौकरी अपने बलबूते पर प्राप्त कर सकें। ठीक है, निजीकरण हम लोग उनके लिए नहीं चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जो सार्वजनिक है उसको सार्वजनिक रहने देना चाहिए, जो निजीकरण है उसको निजीकरण रहने देना चाहिए, तभी तो दोनों में कंपटीशन बना रहेगा। ठीक है, तो गाइस यार बेसिकली आप लोग जम के ट्रेंड करवाओ, कल यार बहुत बड़ा दिन है और 5 सितंबर कल है और कल के दिन तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है 1 करोड़ ट्वीट होने चाहिए, 1 करोड़। ठीक है, आज के दिन भी मैं नहीं बोलूँगा कि 1 करोड़ से कम करना, लेकिन यार किसी भी हालत में आज 1 करोड़ पहुँचा दो, कल तो मुझे पता है कि आप लोग 1 करोड़ फिर से पहुँचा दोगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, उम्मीद है यार आप लोग ट्वीट करोगे अपने लिए नहीं तो अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए आप लोग गाइस करोगे। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।